Hello everyone, I Kuldeep Sharma welcome you all to today's session of 20 GK Question, which have been specifically curated from the Hindu newspaper as well as Indian Express. But before I begin, the usual advice, please go through the today's daily news analysis before you attempt these questions so that you can answer all of these. Okay, so let's look at the first question. First question is one of the question which one of the student asked us. So the question is, the Project Dolphin was launched in which year? So the Project Dolphin was launched in the year 2021. So the correct answer or first is going to be B. Next question, in which year did the famous Tirupati Laddu receive the geographical indication tag? So Tirupati Laddu ko GI tag kis year mein mila tha? So GI, because Tirupati Laddu news mein hai, to ye question aapke liye important ban jata hai. Aur isko GI tag mila tha 2009 mein. So correct answer for 2 is going to be C. Next pe aate hain, which was the first Indian state to enact a law on temple management? कौन सी पहली इंडियन स्टेट थी जिसने टेंपल मैनेजमेंट की लॉ बनाया? तो वो स्टेट थी मद्रास या तमिलनाडु. तो आपका करेक्ट आंसर वो थर्ड हो जाएगा, ए. नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कोर सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट द हाइएस्ट परसेंटेज टू द ओवरऑल कोर सेक्टर ग्रोथ इन इंडिया? तो आपके डिफरेंट सेक्टर्स को 8 कोर सेक्टर्स हैं, डिफरेंट वेटेज दिए हुए हैं, एंड उसमें सबसे ज्यादा वेटेज है आपका किसका? पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का. सो करेक्ट आंसर ऑफ फोर्थ इज गोइंग टू बी सी. नेक्स्ट पे आते हैं, हु प्रिपेयर्स एंड रिलीजेस द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज एवरी मंथ? ICAI इंडेक्स ही कौन रिलीज करता है? तो इट इज रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. स्पेसिफिकली जो आपका ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर है वो इस पर्टिकुलर इंडेक्स को रिलीज करता है. तो करेक्ट आंसर ऑफ फिफ्थ इज गोइंग टू बी बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस ईयर यूज इन द करंट सीरीज ऑफ इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज? सो ICAI का बेस ईयर क्या है? IIP का भी बेस ईयर वही है, GDP का भी बेस ईयर वही है, और वो बेस ईयर आपका 2011-12. तो करेक्ट आंसर 6 इज गोइंग टू बी डी. नेक्स्ट पे आते हैं, विच टू सिटीज आर बीइंग कनेक्टेड बाय इंडियाज फर्स्ट हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट और रेल कॉरिडोर? तो आपकी जो पहली बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है वो किस दो सिटीज को कनेक्ट करने वाली है? सो वो दो सिटीज हैं आपकी मुंबई और अहमदाबाद. सो करेक्ट आंसर 7th इज गोइंग टू बी बी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच कंट्री इज प्रोवाइडिंग अ सॉफ्ट लोन टू इंडिया फॉर द बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट? सो वी नो दिस वेरी वेल कि जो आपका हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट है उसके अंदर में जो लोन प्रोविजन मिल रहा है आपको, इट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द कंट्री ऑफ जापान. सो द करेक्ट आंसर फॉर 8th इज गोइंग टू बी सी. नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड इन इंडियाज बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट? तो आपको चार टाइप की बुलेट ट्रेन टेक्नोलॉजी बताई है और आपको बताना है कि इंडिया के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करने वाले हैं. सो हम इंडियन के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में यूज करने वाले हैं शिंकशन टेक्नोलॉजी, जो बेसिकली एक जापानीज टेक्नोलॉजी है जो इंडियन बुलेट ट्रेन में भी यूज होगी. सो करेक्ट आंसर फॉर 9th इज गोइंग टू बी सी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हेन डिड द फर्स्ट शिंकानसेन हाई स्पीड रेल सिस्टम बिगिन ऑपरेशंस इन जापान? सो जापान वॉज द फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट अ बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, और शिंकानसेन हाई स्पीड रेल सिस्टम पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट था वर्ल्ड का एज वेल एज ऑफ द कंट्री ऑफ जापान, और ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया था फ्रॉम द ईयर 1964 इट्सेल्फ. सो करेक्ट आंसर फॉर 10th इज गोइंग टू बी बी. नेक्स्ट पे आते हैं, विच इज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ऑपरेशनल ट्रेन? सो आपकी डिफरेंट ट्रेन हो सकती है, फॉर एग्जांपल फ्रेंच TGV है जो अभी आपके ट्रायल प्रोसेस में है, ये फास्टेस्ट आपकी ट्रेन है वर्ल्ड की. बट करेंटली जो फास्टेस्ट ऑपरेशनल ट्रेन है वो है शेंघाई मैगलेव ट्रेन. सो 11th का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए. नेक्स्ट पे आते हैं, द ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसोरस इज ऑल्सो नोन एज? सो ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसोरस जो लार्जेस्ट राइनोसोरस है वर्ल्ड का, उसको हम और किस नाम से जानते हैं? सो वी नो दिस कि ये जो पर्टिकुलर राइनोसोरस है ये इंडिया और नेपाल में मिलता है, और इसकी लार्जेस्ट पॉपुलेशन आसाम में ही है, और इसी को ही हम इंडियन राइनोसोरस के नाम से ही जानते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ 12th इज गोइंग टू बी सी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच नेशनल पार्क इन इंडिया हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ इंडियन राइनोसोरस? सो कौन सा नेशनल पार्क है जहां पे लार्जेस्ट पॉपुलेशन है? तो वो है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क. सो द करेक्ट आंसर फॉर 13th इज गोइंग टू बी डी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द करंट IUCN रेड लिस्ट स्टेटस ऑफ द इंडियन राइनोसोरस? इंडियन राइनोसोरस का रेड लिस्ट जो IUCN की रेड लिस्ट आती है उसमें क्या स्टेटस है? तो इसका स्टेटस अभी वल्नरेबल है, इट इज नॉट इनडेंजर्ड एज इट वॉज अर्लियर, बट अब इसकी पॉपुलेशन थोड़ी सी रिक्यूपरेट कर चुकी है, तो ये एक वल्नरेबल स्पीशीज है. सो 14th का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी. नेक्स्ट पे आते हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चन, व्हेन वाज द आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट और ऑस्पा फर्स्ट इनेक्टेड? सो फर्स्ट टाइम आपका जो ऑस्पा था, ऑल्दो 42 में एक ऑर्डिनेंस आया था, बट इसका फर्स्ट टाइम जो एक्ट आया आपका विद दिस पर्टिकुलर नेम, इट केम इन द ईयर 1958. सो रिमेंबर द करेक्ट आंसर 15th इज गोइंग टू बी बी. नेक्स्ट पे आते हैं, हु होल्ड द पोजिशन ऑफ आर्मी चीफ इन इंडिया?
करंटली आर्मी चीफ जो है आर्म फोर्सेज में, आर्मी के चीफ कौन है इंडिया में? सो करंटली जनरल उपेंद्र द्विवेदी इज द न्यू आर्मी चीफ. सो करेक्ट आंसर फॉर 16th इज गोइंग टू बी ए. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज द करंट एयरफोर्स चीफ ऑफ इंडिया? सो आज के न्यूज़पेपर में आपके नए एयरफोर्स चीफ का नाम बताया, और जो नए आपके एयरफोर्स चीफ हैं वो है एयर मार्शल एपी सिंह. सो करेक्ट आंसर फॉर 17th इज गोइंग टू बी सी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु वॉज ऑनर्ड विद द दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर द ईयर 2022? सो दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर द ईयर 22 अनाउंस किया गया है, और इस बार ये अवार्ड किया जा रहा है आपके मिथुन चक्रवर्ती को. सो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी. ओके, सो लेट्स मूव टू द सेकंड लास्ट क्वेश्चन. विच G7 कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू फेज आउट कोल पावर इन 2024? फेज आउट का मतलब होता है कि हमने उन्होंने पूरा ही कोल प्रोजेक्ट्स को या कोल थर्मल प्लांट्स को खत्म कर दिया है. तो पहली G7 कंट्री जो आपका फर्स्ट बनाए टू फेज आउट कोल पावर इज द कंट्री ऑफ यूनाइटेड किंगडम. सो द करेक्ट आंसर फॉर 19th इज गोइंग टू बी सी. फाइनली द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट कोल रिजर्व इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड के लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स किस कंट्री के पास में है? तो वो कंट्री है जिसके पास सबसे ज्यादा कोल रिजर्व्स हैं, वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ऑल्दो इट इज नॉट द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, नीदर इट इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर और द एक्सपोर्टर ऑफ कोल इन द वर्ल्ड. तो इसके पास कोल रिजर्व्स रखे हुए हैं बट ये इनको यूटिलाइज नहीं कर रहा है. सो द करेक्ट आंसर फॉर 20th इज गोइंग टू बी बी. Okay, so student, these were the 20 GK questions for today. I hope to see you in the next class with a new set of 20 GK questions. So, okay, so that's it from my side. Thank you and have a very nice day.